आचरण की सभ्यता के निबंध के एक गद्यांश की और व्याख्या। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संबुद्ध शारीरिक प्राकृतिक मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब की क्या एक पुरुष क्या एक जाति के आचरण के विकास के संबंधों में विचार करना होगा। यानी एक पुरुष और एक जाति तक ही अपने को सीमित नहीं होना है, संपूर्ण संसार के आचरण को ही अपने को आचरण के बारे में ही अपने को विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए सबको एक पथ नहीं बता सकता। ये गद्यांश है और इसका इसकी व्याख्या अपन देखते हैं। पहला पॉइंट लगाएंगे उत्तर में संकेत, आचरण का विकास, बीच में खाली जगह छोड़ देनी है, नहीं बता सकता, यानी पूरा गद्यांश आ जाएगा इसमें। संदर्भ, प्रस्तुतिकरण द्विवेदी युग के निबंध लेखक पंजाबी साहित्य के टैगोर सरदार पूरण सिंह द्वारा लिखित निबंध आचरण की सभ्यता से उद्धृत है। देखो अपने को आचरण की सभ्यता और सरदार पूरण सिंह को भी नीचे है ना रेखांकित कर देना है, हाईलाइट कर देना है ना। प्रसंग है, पूरण सिंह जी मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य आचरण के विकास को बताते हुए व्याख्यात करते हैं कि क्या प्रत्येक मनुष्य का कुछ न कुछ कर्तव्य होता है, जिनमें से सबसे आवश्यक कर्तव्य आचरण का विकास माना है। लेकिन उस कर्तव्य को धर्म से जोड़ना परम आवश्यक है। जब कर्तव्य पालन में शिथिलता नहीं होगी तो मनुष्य जो कुछ करेगा वह सदाचार ही होगा। अर्थात आचरण का विकास करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखकर धर्म में उन सभी बातों को सम्मिलित करना चाहिए जो चरित्र के विकास में सहायक हो। खूब है, देखो इतना बड़ा गद्यांश है, इसका अपने ना प्रभावशाली विशेष लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पांचवा पॉइंट में एक बार विशेष लगा देती हूँ। पांचवें पॉइंट में, पांचवा पॉइंट विशेष, और विशेष का पहला है भाव सौंदर्य, भावात्मक शैली। पूर्ण सिंह जी के निबंध भावात्मक शैली में लिखे गए हैं। इनकी इस शैली में व्यक्ति के जीवन का परम उद्देश्य आचरण का विकास करना है। दूसरा है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक इस बात को उजागर करना चाहता है कि मनुष्य का आचरण उसके संपूर्ण पर्यावरण से प्रभावित होता है। धर्म को लेखक ने आचरण का संगठनकर्ता बताया है। कला सौंदर्य, देखो भाषा प्रवाहमयी एवं लाक्षणिक शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा को शुद्ध और परिमार्जित रखने के लिए संस्कृत के तत्सम शब्दों तथा भाषा में सरलता सरसता तथा सजीवता के लिए उर्दू फारसी और अंग्रेजी की विदेशी शब्दावली का निः संकोच प्रयोग किया है। इन्होंने कहावतों और मुहावरों को सुललित प्रयोग किया है। का आएगा मुहावरों का। इनकी वाक्य रचना सरल व्यवस्थित और सुगठित है। देखो विशेष पहले वाले में मैंने छोटा किया है और इसमें बड़ा किया है, बात वही है। वो कम शब्दों में यही अर्थ दे रही है ना, और ये अधिक शब्दों में भी वही अर्थ दे रहा है। विशेष में देख लो जो कल डाला था वीडियो उसमें, और ठीक है।